हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नीतू क्रिएटिव कॉर्नर। फ्रेंड्स, हमारे घर में जो इस तरह की बॉटल रहती है, इसे हम यूज करने के बाद फेंक देते हैं, तो आज हम इसी बॉटल से क्राफ्ट बनाएंगे। हम इस बॉटल को सबसे पहले एक कटर की हेल्प से कट करेंगे। आप इसे बहुत ही सावधानी के साथ करें। अगर आपको कट करने में प्रॉब्लम होती है तो आप अपने घर में किसी बड़े की हेल्प ले सकते हैं। मैंने इसे 3 पार्ट में कट किया है। कट करने के बाद हम एक इस तरह का चार्ट पेपर लेंगे और उस पर इसे रख के गोल सर्कल बना के कट करके उसे फेविकॉल की हेल्प से चिपका देंगे। चिपकाने के बाद इसे सेलो टेप की हेल्प से भी चिपका लेंगे। इसके बाद हम एक डब्बे में थोड़ी सी बॉल पुटी लेंगे और उसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिक्स करके डो तैयार करेंगे। बॉल पुटी का परफेक्ट डो कैसे बनाते हैं मैंने आपको पहले भी बताया है। बॉल पुटी के डो में हम किसी भी तरह का ग्लू मिक्स नहीं करेंगे। हम जैसे घर में आटे का डो तैयार करते हैं, उसी तरह से बॉल पुटी का डो भी तैयार करेंगे। डो तैयार करने के बाद हम थोड़ी सी बॉल पुटी लेंगे और उसे हाथों से फैलाकर हमने जो बॉटल कट किया है उसे कवर करेंगे। इसे अच्छी तरह से कवर कर लेने के बाद हम पानी की हेल्प से इसे स्मूथ कर लेंगे और 3-4 घंटे के लिए सूखने के लिए रख देंगे। जब ये प्रॉपर सूख जाएगा तो हम इस पर आगे की डिटेलिंग करेंगे। फ्रेंड्स, मैं इस बॉटल से प्लांटर बनाने वाली हूँ। मैंने इस क्राफ्ट में जो टूल्स और कलर यूज किए हैं, मैं उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ये हमारा फर्स्ट प्लांटर है। इस प्लांटर को हम डॉग के फेस का शेप देंगे। हम जो इस पे डिटेलिंग करेंगे वो पुटी की हेल्प से ही करेंगे। पुटी को चिपकाने के लिए हमने यहाँ पे पानी का यूज किया है। पुटी पानी की हेल्प से बहुत ही आसानी से चिपक जाता है। आप पानी की जगह फेविकॉल का भी यूज कर सकते हैं, या फिर आपने जो बॉल पुटी का डो तैयार किया है उसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करके उसका गाढ़ा घोल तैयार कर ले और उससे भी आप इसे बहुत ही आसानी से चिपका सकते हैं। आप वीडियो को विदाउट स्किप किए हुए देखिए, और अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम होती है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपको वहां पर रिप्लाई ज़रूर दूंगी।
फ्रेंड्स, हमारा तीनों प्लांटर बनके तैयार हो गया है। आप भी इसे एक बार ज़रूर से ट्राई करें। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो एक लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।